पहले चेन्नई में फंसाया, अब कानपुर में हराया। टीम इंडिया ने बांग्लादेश का बाजा बजाया, बीच मैदान बांग्लादेशी टीम से नागिन डांस कराया। भारत ने 2-0 से टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाया। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर टेस्ट मैच को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेशी टीम का क्लीन स्वीप कर दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों की हेकड़ी भी निकाल दी, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन मैदान पर उनकी हवा निकल गई। कानपुर टेस्ट मैच तो भारतीय टीम ने सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन में ही जीत लिया, क्योंकि इस मुकाबले में लगभग 2.5 दिन का खेल तो गीले मैदान और बारिश की वजह से धुल गया था। लेकिन इसके बावजूद भी टीम इंडिया ने बीच मैदान पर अपना दमखम दिखाया और बांग्लादेशी टीम को सिर्फ 2.5 दिनों में मात देते हुए टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाया। टीम इंडिया ने करवाया नागिन डांस। जब बारिश और गीले मैदान की वजह से 2.5 दिन मैच नहीं हुआ तो सभी को यह लगा कि यह मैच तो ड्रॉ होगा, लेकिन टीम इंडिया के खिलाड़ी तो अलग ही मंसूबे लेकर मैदान पर उतरे थे। पहले भारतीय टीम ने जल्दी से बांग्लादेश की पहली पारी को 233 रनों पर समेट दिया। इसके बाद टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में T20 का मजा दिलाया और तेजी से रन बनाते हुए कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। भारत ने सिर्फ और सिर्फ 34.4 ओवर बल्लेबाजी की और 285 रन ठोकते हुए अपनी पहली पारी को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना एक बार फिर से दबदबा दिखाया और बांग्लादेशी टीम की दूसरी पारी को भी जल्दी से समेटते हुए भारत को जीत के करीब ला दिया। कानपुर टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ 95 रनों का टारगेट मिला था, जिसे भारतीय बल्लेबाजों ने जल्दी से हासिल करते हुए कानपुर में जीत हासिल की और टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर दिया। क्यों खास रही टीम इंडिया के लिए ये जीत? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से टीम इंडिया का इस टेस्ट सीरीज को जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि भारतीय टीम की नजर तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने पर है और अब भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में टॉप पर तो बरकरार है ही, इसके साथ भारतीय टीम ने अपनी पोजीशन को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। अश्विन जडेजा के सामने फंसा बांग्लादेश। इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए अश्विन जडेजा के सामने बांग्लादेश की पूरी टीम नतमस्तक हो गई। ये दोनों इस सीरीज में सबसे सफल गेंदबाज तो रहे ही, इसके अलावा इन दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से भी बांग्लादेशी टीम को काफी परेशान किया। पहले टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगाया तो रविंद्र जडेजा ने भी 86 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की जोड़ी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों की नाक में दम करते हुए एक के बाद एक सभी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया और बांग्लादेशी टीम को अपनी फिरकी के फंदे में फंसाया। इन दोनों ने टीम इंडिया को सीरीज जिताने में अहम किरदार निभाया। रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी के सामने चित हुआ बांग्लादेश। दरअसल जब इस टेस्ट मैच में 2.5 दिनों का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया था तो सभी को यह लग रहा था कि अब इस टेस्ट मैच का रिजल्ट नहीं आएगा, ये टेस्ट मैच तो ड्रॉ ही होगा। लेकिन टीम इंडिया के सुपरस्टार कप्तान रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी की बदौलत बांग्लादेश की टीम चारों खाने चित हो गई। जब बांग्लादेश की टीम पहली पारी में 233 रनों पर ऑल आउट हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय टीम आएगी और अटैकिंग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करेगी, लेकिन मैदान पर आते ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी अटैकिंग अप्रोच का इरादा जाहिर कर दिया था, क्योंकि भारतीय टीम ने सिर्फ 3 ओवर में ही 50 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। एक तरफ से रोहित शर्मा तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल। बांग्लादेशी गेंदबाजों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गेंदबाजी करें तो कहां करें। इसके बाद रोहित शर्मा आउट हुए लेकिन यशस्वी जायसवाल ने अपनी अटैकिंग अप्रोच को जारी रखा। इसके बाद भारत के सभी बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और सिर्फ 34.4 ओवर में ही 285 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए। इससे यह पता चलता है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि इस मैच का रिजल्ट तो निकल कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं होने देना है, हमें इस टेस्ट मैच में जीत दर्ज करनी है। और इसी वजह से रोहित शर्मा दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक है और यही सोच है जो रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे उम्दा कप्तान बनाती है। और इसी वजह से रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी के सामने बांग्लादेश की पूरी टीम धराशायी हो गई और भारतीय टीम ने इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। वैसे टीम इंडिया को इस सीरीज को जिताने में जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और आकाशदीप ने भी अहम किरदार निभाया, क्योंकि बुमराह और आकाशदीप ने अहम मौकों पर विकेट चटकाए तो वहीं शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने पिछले टेस्ट मैच में शानदार शतक जमाए थे। तो ऐसे में इस पूरी सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया और बांग्लादेशी टीम को बीच मैदान पर नागिन डांस कराते हुए बांग्लादेश की टीम की हेकड़ी निकाल दी। वैसे दोस्तों, टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हराकर टेस्ट सीरीज में तो कब्जा जमा लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या T20 सीरीज भी टीम इंडिया अपने नाम कर पाएगी? क्या T20 सीरीज में भी टीम इंडिया बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।